नमस्कार, आदाब, हेलो। दुनिया का लिटरेचर, दुनिया की कहानियाँ, दुनिया की पोइट्री औरत की खूबसूरती के बारे में क्या क्या बातें करती है। आँखों को मैखाना और जुल्फों को बादल और होंठों को गुलाब की कलियाँ, न जाने क्या क्या। लेकिन लिटरेचर में, पोइट्री में मर्दों की खूबसूरती का कभी कोई ख़ास जिक्र नहीं होता। और होगा भी क्यों, इसलिए कि सब ज़्यादातर तो मर्दों ही ने लिखा था। जब किसी की बहुत तारीफ करनी होती है कि भाई ये तो बहुत हैंडसम और बहुत खूबसूरत आदमी है, तो कह देते हैं कि ये तो ग्रीक गॉड लगता है। अब भाई ग्रीक गॉड तो मैंने देखा नहीं और मुझे मालूम नहीं कि कैसे लगते थे ग्रीक गॉड। अच्छे ही लगते होंगे, लेकिन मुझे कोई गम नहीं कि मैंने ग्रीक गॉड नहीं देखे, इसलिए कि मैंने धर्मेंद्र को देखा है। देखता था जो इंसान, वो देखता ही रह जाता था। जब हमने पहली बार देखा, हमारा यही हाल हुआ। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैंनु प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैंनु प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। धर्म जी सिर्फ बाहर से ही खूबसूरत नहीं है, अंदर से भी बहुत खूबसूरत आदमी है। अच्छे एक्टर, अच्छे इंसान, और शायद यही वजह है कि इतनी लंबी इनिंग उन्होंने खेली, इतनी फिल्मों में काम किया और इतनी ज़बरदस्त उनकी फॉलोइंग रही। 8 दिसंबर 1935, केवल कृष्ण सिंह देवल साहब और सत्वंत कौर जी जो इनकी वालिदा थी, उनके यहाँ ये खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। लुधियाना के पास पगवाड़ा एक जगह है, वहाँ के हैं ये। इनके वालिद साहब वहीं हेडमास्टर थे, स्कूल में पढ़े, उसके बाद वहाँ पगवाड़ा ही में कॉलेज था, वहाँ से इंटरमीडिएट किया। इत्तेफाक इनकी ज़िंदगी का ये है कि घर बड़ा कंजर्वेटिव फैमिली थी, तो बच्चों का फिल्म वगैरह देखना पसंद नहीं था उन लोग को। वो धर्मेंद्र जो न जाने कितनी फिल्मों में आने वाले थे, उन्होंने 13 बरस तक सिनेमा नहीं देखा। तो उसके बारे में सुना था कि वो पर्दे पे तस्वीरें चलती हैं और आवाज़ आती है, तो कुछ इनके माइंड में ऐसी इमेज थी, जैसा ये बताते हैं कि शायद जैसे कैलेंडर दीवार पे लटका होता है, वैसे ही कोई पर्दा लटका होगा और पीछे से कोई बोलता होगा तो आवाज़ आती होगी। तकरीबन वैसा ही जैसा सीन उन्होंने शोले में किया था हेमा जी के साथ, कि जहाँ वो मंदिर में हेमा जी जाती है और ये पीछे से बोल रहे हैं। ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं। प्रभु तुम चमत्कार हो गया, हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है कन्या। लेकिन 13 बरस की उम्र में इन्होंने 1948 में पहली बार फिल्म देखी शहीद। दिलीप कुमार उसके हीरो थे। फिल्मों पे भी आशिक हो गए और दिलीप कुमार पे भी, और दिलीप कुमार साहब से जो इनकी वफादारी और मोहब्बत उस दिन पैदा हुई थी, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि वो आज तक वही की वही है। अब ये पिक्चर का जो फैसिनेशन था, वो तो ऐसा हो गया कि मतलब उनके ख्वाबों पे और ख्यालों पे सिनेमा छा गया। दिलीप कुमार ने उनके अंदर अरमान जगा दिया फिल्मों में काम करने का। दिल लगी में बाकी कमी भी पूरी हो गई, उसमें सुरैया थी, तो सुरैया पे ये छोटा सा लड़का जो फिदाई हो गया। कहते हैं पूत के पांव पालने ही में दिखाई देते हैं, तो आगे क्या होने वाला था और ये कैसे बड़े होने वाले थे, इसका अंदाज़ा आपको इससे हो जाएगा कि सुरैया के लिए उन्होंने पिक्चर 40 बार देख ली थी। बहरहाल अब दिल में ये अरमान कि मैं फिल्मों में जाऊं और फिल्मों में काम करूं, तो एक दिन उन्होंने अपनी वालदा से, अपनी मदर से कहा, मेरा ये ख्वाब है कि मैं फिल्मों में जाऊँ। ये सुन के ही वो घबरा गई कि ये क्या बात कर रहा है, अरे बेटा तुम क्या कह रहे हो। और वो घबराई कि कहीं ये बात बाप के कानों तक पहुंच गई तो क्या होगा, वो तो बहुत बिगड़ जाएंगे कि बिल्कुल ही बिगड़ गया, हाथ से ही निकल गया। उस वक्त काम कर रहे थे, एक अमेरिकन ड्रिलिंग कंपनी थी, उसमें नौकरी कर ली थी, लेकिन वहाँ दिल नहीं लग रहा था, दिल तो कहीं दूसरी जगह था, वो फिल्म स्टूडियो पहुँच चुका था दिल। तो उन्होंने, मेरा ऐसा ख्याल है कि ये सोच के कि लड़का घर से भाग ना जाए, कहा बेटा ऐसा करो
कि तुम फिल्म वालों को चिट्ठी लिखो, जाओ मत, उन्हें खत तो लिखो, पूछो उनसे कि वो उनका क्या ख्याल है। कितना मासूम सी बात है वैसे, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे वाकई उस वक्त माँ की ज़बान से आगे की किस्मत बोल रही थी। कुछ ऐसा ही हुआ आगे, एक फिल्म मैगज़ीन ने टैलेंट कॉन्टेस्ट किया और फॉर्म उसमें छपे कि भाई ये फॉर्म अपनी तस्वीरें और फॉर्म भर के भेजिए। धर्म जी ने वो फॉर्म भरा, उसमें अपनी कुछ तस्वीरें खिंचवाईं, वो भेज दी, चली गई। दो महीने बाद उनको एक ख़त आ गया। ख़त आया कि भाई आप आइए इस कंपटीशन के लिए और आपका वहाँ पर टेस्ट होगा, कंपटीशन में आप होंगे। और उस कंपटीशन में इनके साथ और भी कई लोग थे जिनका साथ इनका बरसों रहा। दिल्ली से भी एक लड़का आया था, मनोज जी भी आए थे इसी में। बहरहाल तो धर्म जी को सेलेक्ट कर लिया गया और ये तय पाया कि भाई बिमलदा उसके एक जज थे कि बिमलदा की पिक्चर में इनको काम मिलेगा। अब ये ठहर गए मुंबई में, लेकिन यहाँ फिल्म इंडस्ट्री की तो चाल बेढंगी है, कुछ कभी जल्दी हो जाती है चीज़, कभी देर में होती है और कभी बहुत देर में होती है। तो किसी वजह से वो जो पिक्चर में लेने वाले थे, बंदनी नाम की फिल्म, वो डिले हो गई। लेकिन बहरहाल एक पर्सनैलिटी में चाम और एक हुस्न तो था, तो इनको एक दूसरे प्रोड्यूसर मिल गए, अर्जुन हिंगोरानी। वो एक पिक्चर बना रहे थे, दिल भी तेरा हम भी तेरे, उसमें इन्होंने बुलाया और धर्म जी को पहली पिक्चर के लिए साइन किया गया और साहब उन्हें साइनिंग अमाउंट भी मिला। वो साइनिंग अमाउंट था 51 रुपये। 51 रुपये भी उस ज़माने में कोई चीज़ थे। बहरहाल वो उन्होंने ले लिया, रुक गए। ये वक्त जो था धर्म जी पे सख्त था और एक कज़न उनके थे भगवंत, वो भी आ गए थे। तो वर्सोवा में कहीं एक गैरेज था जहाँ ये दोनों रहने लगे थे और कभी कभी ऐसा होता था कि इनके पास खाने के पैसे भी नहीं होते थे। मुझे याद पड़ता है बहुत बरसों पहले उन्होंने एक रेडियो इंटरव्यू में एक बात कही थी, आपने गाना ज़रूर सुना होगा, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ ना दो। इस गाने की रिकॉर्डिंग जो थी वो तारदेव में हो रही थी और मैं ये उम्मीद करके वहाँ गया था कि आज वहाँ मुझे कुछ इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, इसलिए कि सुबह से मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया था। और मैं वहाँ गया, वहाँ रिकॉर्डिंग तो हो रही थी लेकिन प्रोड्यूसर साहब पहुँचे ही नहीं थे, वो थे ही नहीं उस रिकॉर्डिंग में, तो मुझे पैसे तो मिल नहीं सके। और कहले मैं फिर पैदल वापस आया और आज जब मैं इतने बड़े घर में रहता हूँ, मेरे पास गाड़ियाँ हैं, दौलत है, मेरे पास सब कुछ है, आज भी जब मैं ये गाना सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आज भी भूखा हूँ और आज भी पैदल फुटपाथ पे चल रहा हूँ। होता क्या है कि कुछ ऐसे लम्हे होते हैं, भूख जो है वो इतनी तकलीफ़ देह चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मजबूरी का एहसास होता है, जो बेबसी का एहसास होता है, वो बेबसी का एहसास आपको बहुत तकलीफ़ देता है और वो तकलीफ़ कहीं याद रहती है। मुझे ऐसा लगता है आज भी मैं कभी बात करता हूँ धर्म जी से, वो दर्द उनमें आज तक मौजूद है 50 बरस की सक्सेस के बाद भी, और शायद उसी ने उन्हें ह्यूमन भी रखा है। अब ये पिक्चर बन रही थी कि इनको एक और पिक्चर मिल गई और इन्हें बुलाया किसने, रमेश सहगल। रमेश सहगल कौन, वो जिन्होंने वो फिल्म बनाई थी जो ज़िंदगी में पहली बार धर्म जी ने देखी थी, शहीद। और वही डायरेक्टर ने इस नए लड़के को बुलाया एक फिल्म के लिए। रमेश सहगल का ऑफिस होता था रंजीत स्टूडियो में, रंजीत स्टूडियो था दादर में, वहाँ पर ये फिर जाने लगे। और वहीं अब देखिए जो कंपटीशन में आए थे मनोज कुमार, वो भी वहीं आते थे, इसलिए कि उनको भी जिसने काम दिया था कुलदीप सहगल, उनका भी ऑफिस रंजीत में था। और ये दोनों नौजवान लड़के, एक लुधियाना के पास फगवाड़ा से आया हुआ, दूसरा लड़का दिल्ली से आया हुआ, लकड़ी की एक बेंच पे बैठे रहते थे और खुली आँखों से ख्वाब देखते रहते थे कि आगे क्या होगा। ये भी बात हुई कि अगर हम में से एक भी कामयाब हो गया तो हम दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन हुआ यूँ कि इसकी नौबत आई नहीं, इसलिए कि दोनों ही कामयाब हुए और बड़ी शानदार कामयाबी दोनों ने हासिल की और दोनों का करियर एक बेमिसाल करियर रहा। धर्म जी को
शोलो शबनम बहुत खूबसूरत फिल्म थी, उसके गाने भी बहुत अच्छे थे, बहुत खूबसूरत कहानी थी और एक बड़ा रोमांटिक रोल उनका था जो उन्होंने बड़ा अच्छा निभाया था। उसके बाद बंदनी बनी, जो बेसिकली कहानी तो नूतन जी की थी और उसमें दरअसल नूतन जी का सारा फोकस तो अशोक कुमार पे था जिनके साथ वो एंड में चली जाती हैं, लेकिन एक डॉक्टर को रोल था जो धर्म जी ने किया और बहुत अच्छा किया और लोगों की निगाहों में आए। सूरत और सीरत, दिलचस्प बात यह है कि नूतन जी को इनका काम पसंद ही आया होगा, इसलिए कि वो जो पिक्चर थी सूरत और सीरत, वो नूतन जी के हस्बैंड रजनीश बहल साहब ने बनाई थी। लगता है कि रिकमेंडेशन तो इन्हीं का होगा, वरना कहाँ से आते एक न्यू कमर को लेने को। इसमें भी उन्होंने काम किया, शोलो शबनम, सूरत और सीरत और उसके अलावा अनपढ़, जो कि फिर हीरोइन की कहानी थी माला सिन्हा की, लेकिन एक अच्छा रोल उनका था। ये एक काम मिलने लगा और एक लीडिंग मैन हो गए, मगर फ्रंट लाइन से बहुत दूर, वो अभी वहाँ नहीं पहुँचे थे जहाँ उन्हें पहुँचना था और जहाँ वो पहुँचने वाले थे। इसमें अभी एक दो साल और थे जब धर्मेंद्र जी सचमुच धर्मेंद्र हो गए। वो धर्मेंद्र जो लाखों करोड़ों दिलों में बसा है, वो कब हुआ और कैसे हुआ इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और वाकई जो इमेज हीमैन का टाइटल जो धर्म जी के साथ हमेशा के लिए लग गया, वो इस फिल्म से लगा। बहुत बड़ी सुपर हिट पिक्चर, मतलब एक लहर दौड़ गई थी पूरे मुल्क में, एक इतना हैंडसम हीरो, इतना मैस्कुलिन, इतना चार्मिंग, वो पूरी तरह खुल के इस फिल्म में। मैं समझता हूँ कि धर्म जी इस फिल्म से पहली सफ के हीरो बन गए। अब देखिए 1964 में इनकी आई आपकी परछाइयाँ, जो मोहन कुमार साहब ने बनाई थी, और दूसरी पिक्चर आई आई मिलन की बेला। हालांकि आई मिलन की बेला में धर्म जी का रोल जो था, एक तरह से तो खैर राजेंद्र कुमार साहब के साथ पैरेलल रोल था, लेकिन बहरहाल उसमें टूवर्ड्स द एंड थोड़ी सी, चूंकि लेफ्ट ट्रायंगल था, थोड़ी सी एक विलनिश स्टेज थी और बाय द टाइम वो क्लाइमेक्स आता है तो बिल्कुल ही विलन जैसे हो जाता है। उसके बावजूद वो जितने डैशिंग लगे और जितना अच्छा उनका काम था, वो छा गए और उनकी पॉपुलैरिटी ने इस विलनिश रोल के बावजूद भी एक बहुत बड़ा लीप लिया। अगला साल 1965 जो है वो इनकी ज़िंदगी का बड़ा इम्पोर्टेंट साल है। कहने को तो 7 फिल्में इस बार एक साल में, उनकी 7 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन जिन फिल्मों का मैं ख़ासतौर से जिक्र करना चाहूँगा वो एक तो है हकीकत। हकीकत अपनी तरह की हिंदुस्तान में पहली फिल्म थी। इट वॉज रियली अ वॉर फिल्म, इस तरह की फिल्म पहले नहीं बनाई गई थी। चेतन साहब की बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट, बड़ी लंबी चौड़ी कास्ट, लेकिन लीडिंग मैन धर्म जी थे और वाकई लगते थे इंडियन आर्मी ऑफिसर। एक अजीब बात है कि मुझे इस वक्त 3 फिल्में धर्म जी की याद आ रही हैं जिनमें उन्होंने गाना नहीं गाया, और वो तीनों फिल्में उनके करियर के बहुत बड़े माइलस्टोन्स में से, जैसे हकीकत और जैसे दूसरी पिक्चर जो रिलीज़ हुई थी 65 में, वो फिल्म बहुत बड़ी सुपर हिट पिक्चर और वाकई जो इमेज हीमैन का टाइटल जो धर्म जी के साथ हमेशा के लिए लग गया, वो इस फिल्म से लगा। और मुझे अब तक याद है कि लोगों का रिएक्शन इस हीरो के बारे में उस वक्त क्या था, मतलब एक लहर दौड़ गई थी पूरे मुल्क में जब फूल और पत्थर रिलीज हुई। ये फिल्म तो ब्लॉकबस्टर थी और इसमें जो हमें हुस्न, जो खूबी, जो एक नई बात धर्म जी में दिख रही थी, एक इतना हैंडसम हीरो, इतना मैस्कुलिन, इतना चार्मिंग, वो पूरी तरह खुल के इस फिल्म में आए और इतना गहरा इम्पैक्ट उसने किया हिंदुस्तानी ऑडियंस पे कि मैं समझता हूँ कि धर्म जी
इस फिल्म से पहली सफ के हीरो बन गए। धर्म जी की पर्सनैलिटी में ये एक कमाल है जो उन्हें एज एन एक्टर बहुत बड़ा एडवांटेज देती है कि वो कितनी आसानी से इधर और कितनी आसानी से उधर चले जाते हैं। आप ये देखिए कि फूल और पत्थर से जो आदमी इतना बड़ा स्टार बना है उसकी अगले साल क्या फिल्में हैं। अनुपमा, जिसमें वो एक राइटर है, कुर्ता पजामा पहने, शॉल ओढ़े हुए, बहुत शांति से, नरमी से बात करने वाला। देवर, जिसमें एक नेहात सीधा शरीफ नेक आदमी है कि जो अपने दोस्त को भेजता है अपनी शादी को तय करने के लिए और वो दोस्त वहाँ अपनी शादी तय कर लेता है और ये रह जाता है और अंदर ही अंदर घुटता रहता है, ये कैरेक्टर। बाहरें फिर भी आएंगी, जिसमें एक जर्नलिस्ट। आप ये देखिए कि फूल और पत्थर से जिस एक्टर की इमेज बनी है उसे तो फिर इसी तरह की फिल्मों में आगे दिखाई देना चाहिए था ना, और अगर नहीं दिखाई देता है तो हमें कन्विंस नहीं होना चाहिए था। अरे भाई ये तो हीमैन है, ये तो टफ रोल किया था इसने, उसमें हमें पसंद आया था ये एक्टर, ये अब ये कौन से रोल कर रहा है। मगर ये धर्म जी की पर्सनैलिटी का एक ऐसा कमाल है कि जैसे ही वो चाहते हैं एकदम ऐसा लगता है कि इतना निर्मल, शीतल, शांत, इतना सभ्य खामोश आदमी, शर्मिला सा आदमी वो लगने लगते हैं। जब वो ज़रा सा ऐसा करते हैं तो वो ह्यूमन और एग्रेसिव और टफ आदमी लगने लगते हैं। ये दोनों खूबियाँ दरअसल उनकी पर्सनैलिटी में भी हैं। एक तरफ वो एक ऐसे आदमी है कि कोई उनसे, माफ़ कीजिएगा, ज़रा सी भी लिबर्टी ले नहीं सकता है, उनके अंदर वो डिग्निटी और वो पावर दिखाई देती है। लेकिन दूसरी तरफ उसी पर्सनैलिटी में ये बात भी है कि वो एक इंतहाई शर्मीले, इंतहाई सीधे और एक सर्टन भोलापन था है उनकी शख्सियत, वो भी अपनी जगह है। कहने को तो ये चीज़ें दो अलग अलग हैं लेकिन आप देखें, उनसे मिलें तो आपको मालूम होगा वो दोनों मौजूद हैं और वही दोनों जो पर्सनालिटी के साइड्स हैं वो उनकी एक्टिंग में काम आते हैं उनके। मैं इस साल का जिक्र मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि हालांकि वो पिक्चर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो दो बरस बाद रिलीज हुई थी, यकीन एक फिल्म थी, ये ब्रिज सदाना साहब इसे डायरेक्ट कर रहे थे और देवेंद्र वर्मा साहब जो बहुत अच्छे एक्टर भी हैं वो इसके प्रोड्यूसर थे, उनका पहला प्रोडक्शन था। मैं इस फिल्म में ब्रिज साहब के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से था। उस ज़माने में मैंने धर्म जी को, क्योंकि असिस्टेंट था, करीब से देखा। कई बार ऐसा भी हुआ है कि क्योंकि देवेंद्र वर्मा उनके दोस्त थे और वो उनकी हेल्प करना चाहते थे हर हाल में, तो रात के 1 बजे भी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं रात को 1 बजे आके शूटिंग करूँगा। दिन भर सुबह से शूटिंग कर रहा है जो इंसान, वो रात के 1 बजे भी जब दाखिल हुआ तो ऐसा लगा अभी घर से नहा धो के अभी आया, फ्रेश, ये स्टेमिना था। बड़ा दिलचस्प वाकया है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ये मुझे याद इसलिए है कि उसमें एक डबल रोल था उनका और एक रोल में जो गारसा नाम था कैरेक्टर का, जो विलेनिश कैरेक्टर था, वो नीली आंखें थी उसकी, तो इनको कॉन्टैक्ट लेंस लगाना पड़ता था और वो कॉन्टैक्ट लेंस से इनकी आंखों में बहुत इरिटेशन होता था। तो हुआ ये कि वो डायलॉग कहें, डायलॉग क्या है, एक सीन था, डायलॉग कहाँ है, कागज़ तो धर्म। तो मैंने जल्दी में घबरा के, मैं भी छोटा लड़का था, उसको क्या उम्र थी मेरी 21-22 साल का, तो उनको कागज़ दिया, तो उन्होंने कागज़ देखा तो शायद वो पेज सही नहीं खुला हुआ था, 4-5 3 जो एक साथ नत्थी होते, तो उन्होंने इरिटेट होके मुझे वापस किया, अरे यार सही पेज निकाल के दो। तो मैं गिल्टी होके जल्दी से कर दिया। खैर भाई वो इतने बड़े स्टार, हम तो क्लैप मारते थे, असिस्टेंट थे, हम क्या है, कुछ भी नहीं थे। थोड़ी देर बाद वो स्पॉट बॉय आया, कह लो साहब बुला रहे हैं आपको। तो मैंने कहा अभी कुछ और भी गड़बड़ है क्या, तो मैं गया मेकअप रूम पर, नॉक किया, कमेन मैं दरवाजा, जी जी धर्म जी। एनी सेट के यार सुनो, मैंने ज़रा गलत तरह से बात कर दी तुमने, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, असल में क्या है कि वो मेरी आँखों में बड़ी तकलीफ़ होती है कॉन्टेक्ट लेंसेज से, तो मुझे अनईजी रहता हूँ, सॉरी मैंने तुमसे ऐसे बात की, मतलब मुझ पर तो घड़ों पानी पड़ गया। मैंने कहा क्या धर्म जी, कोई बात नहीं, ऐसी तो बात भी नहीं थी कोई, जितना ये बात मैं इतने बरसों बाद भी 67 की बात है, मैं आज तक भूला नहीं। मतलब ये मेरे ख्याल से एक आम इंसान को जो उनकी हैसियत में होता, उनकी पोजीशन में होता जो थी,
ये ध्यान भी नहीं होता कि एक लड़के से मैंने ऐसे इरिटेट होके बात कर दी थी। ये उनकी ग्रेटनेस या उनकी शराफत, उनकी इनहेरेंट नोबिलिटी की बात। 1969 ये भी एक दिलचस्प साल है उनकी ज़िंदगी का। इसमें एक फिल्म तो वो आई जो उसी यूनिट की बनाई हुई थी, उन्हीं लोगों की बनाई हुई थी जिन्होंने आई मिलन की बेला में उन्हें नेगेटिव रोल में लिया था। अब वो उसी यूनिट के और उसी डायरेक्टर, उसी प्रोड्यूसर के हीरो बने आया सावन झूम के। 67 में अगर उनकी 5 फिल्में आई थी तो 68 में 6 फिल्में आई। आप जरा टर्नओवर उनके काम का देखिए कि वो कितना काम कर रहे थे कि एक एक साल में 6-6, 7-7, 8-8 फिल्में उनकी रिलीज हुई। इसमें एक फिल्म थी इज्जत जो नाडियाडवाला से बनाई थी। इसकी हीरोइन थी साउथ की एक हीरोइन जिनका नाम आप सुनते रहते हैं आज भी, जयललिता जी। उसके अलावा एक फिल्म आई थी मेरे हमदम मेरे दोस्त जिसकी म्यूज़िक बहुत अच्छी थी। और मैं उस फिल्म को इसलिए रिकमेंड करूँगा आपको, मतलब ये हैंडसम आदमी भी इतना हैंडसम लगा है कि यकीन नहीं आता कि ये सचमुच कोई आदमी इतना हैंडसम हो सकता है। देखिए हीरोइंस को ये मालूम होता है कि रोमांटिक लुक कैसे दी जाए और अक्सर हीरोइंस बहुत कामयाबी से ये लुक देती हैं। मेरे ख्याल से ये फीमेल जेंडर ही को मालूम है कि रोमांटिक लुक कैसे दी जाए। ये आमतौर से जो मेल एक्टर्स हैं वो या तो रोमांटिक सीन में ऐसा लगता है कि अपने ही से मोहब्बत करते हैं, या जब रोमांटिक लुक देखने की कोशिश करते हैं तो वो रोमांटिक नहीं होती बल्कि वासना की, लस्ट की, हवस की लुक लगती है, उसमें रोमांस नहीं आता है। बहुत कम मेल एक्टर्स हैं जिन्हें रोमांटिक लुक देना आता है और ये बात धर्म जी को आती है। धर्म जी जिस तरह की लुक्स दे सकते हैं रोमांटिक सीन में वो बहुत कम एक्टर दे पाते हैं। और मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, 2 सबूत ये हैं, मेरे हमदम मेरे दोस्त और शिकार। इसमें आप उनके रोमांटिक सीन देखिए और उनके गाने देखिए कि वो हीरोइन को देखते कैसे। इस साल उनकी एक और भी बहुत बड़ी मेजर हिट फिल्म थी आंखें, रामानंद सागर साहब की बनाई हुई जिसकी शूटिंग आउटडोर में हुई थी और महमूद जो उस वक्त के टॉप कॉमेडियन थे वो इनके साथ काम कर रहे थे उस फिल्म में। महमूद अपने ज़माने में बहुत बड़े कॉमेडियन बन गए थे और कई हीरो ऐसे थे जो उनके साथ काम करने में झिझकते थे और बल्कि कहते थे कि उसे मत लो भाई, वो हमें नहीं सूट करता। एक धर्म जी थे जिनको महमूद से कभी कोई थ्रेट नहीं महसूस हुआ। महमूद से उनकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत गहरी दोस्ती थी और महमूद के साथ उनका एक बड़ा कंफर्ट था। तो महमूद के साथ उनकी कई फिल्में आई हैं और दोनों ने बड़ा साथ में अच्छा काम किया। सुनो लोहा काटने वाली एक गाड़ी लाओ। लोहा काटने वाली लाता हूँ लेकिन तुम डरना नहीं, हिम्मत से रहना, जैसे मैं हिम्मत से लटका हुआ हूँ अभी लाता हूँ, लाता हूँ। सत्यकाम एक फिल्म है जो धर्म जी की मैं समझता हूँ बेहतरीन फिल्मों में से एक, और ऋषिकेश मुखर्जी ने बड़ी लाजवाब फिल्में बनाई हैं अपनी जिंदगी में। वो तो ये कहते थे कि मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी पिक्चर, वो पिक्चर उस वक्त चली नहीं थी। लेकिन सत्यकाम में धर्म जी का परफॉर्मेंस, उनका जो कैरेक्टर था, उनकी जो एक्टिंग थी वो बहुत लाजवाब थी। 1970 में धर्म जी का ये पहला डिकेड मुकम्मल हुआ और इस डिकेड में उनकी 8 फिल्में रिलीज हुई इस साल में 1970 में। एक फिल्म थी तुम हंसी मैं जवां जिसमें पहली बार वो हेमा जी के साथ आए और हेमा जी के साथ फिर उनकी जोड़ी ऐसी बनी कि अपने पूरे करियर में उन्होंने 30 फिल्मों में साथ में काम किया है और जिनमें से कम 15 सुपर हिट फिल्म। किसी शायर की गजल ड्रिंगल, किसी झील का कमल ड्रिंगल, कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल ड्रिंगल। दूसरी सुपर हिट फिल्म तो उसी साल आ गई थी शराफत, फिर दोनों साथ में थे। और तीसरी जो बहुत बड़ी हिट पिक्चर थी इन 8 फिल्मों में, उसमें हीरोइन नई थी, जीवन मृत्यु पिक्चर का नाम था, ब्रजाटियास ने बनाई थी और बहुत अच्छा उसका एडॉप्शन था। इसमें धर्म जी ने एक जगह एक सिख
नौजवान का रोल भी किया है, सरदार बने। वो देख के अंदाजा होता है कि ये अगर सरदार ही रहते तो भी उतने ही हैंडसम आदमी होते। नहायत उम्दा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छे उसमें मैनरिज्म, बहुत अच्छा स्टाइल उन्होंने इस रोल में रखा था। अनजाने में मैंने आपको बहुत दुख दिया, इसके लिए आपसे एक बार फिर माफी चाहता हूँ। क्यों भी आपने बहुत दुख उठाए हैं, ये सोचकर वाकई दुख होता है एक नेक और बेकसूर इंसान को किसी तरह बचाया ना जा सका। ये एक डिकेड है जिसमें अगर आप गिने तो आप हैरान हो जाएंगे कि 10 बरस में इस एक्टर ने कितनी फिल्मों में काम किया और किस तरह से किया, और हर फिल्म से और हर साल से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रही। अभी उन्होंने बहुत सी कामयाबियां हासिल की, उनके बारे में बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। ये एक आंधी उठी आराधना और दो रास्ते से, और ये आंधी एक तूफान बन के अगले 2 बरसों पर छा गई। सारे स्टार जैसे कुछ देर को मार्जिनलाइज से हो गए, हिल गए थे, खेमे उखड़ गए थे बहुतों के। धर्मेंद्र जी ने उन वक्तों में भी अपने पैर जमाए रखे। आप देखते हैं कि फिर एक लाइन आती है, वन आफ्टर अनदर सुपर हिट्स ऑफ धर्मेंद्र। सेवेंटीज में एक वाकया हुआ, एक आंधी आई। 2 पिक्चरें रिलीज हुई, आराधना और 2 रास्ते। राजेश खन्ना इस पिक्चर के हीरो थे, और ये एक आंधी उठी आराधना और 2 रास्ते से, और ये आंधी एक तूफान बन के अगले 2 बरसों पे छा गई। बच्चा पैदा होता तो राजेश खन्ना का नाम लेता था। सारे स्टार जैसे कुछ देर को मार्जिनलाइज से हो गए, सिवाय एक के, जो कि धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी ने उन वक्तों में भी अपने पैर जमाए रखे, हिल गए थे, खेमे उखड़ गए थे बहुतों के। लेकिन धर्मेंद्र का आप जब करियर देखते हैं तो आपको मालूम होता है कि उन्होंने अपने आप को संभाल के रखा, और वापस बहुत 1.5-2 साल के ही अंदर वो फिर मालूम हुआ कि जो रेस हो रही थी, और जैसे ही बेंड पे आए तो मालूम हुआ कि वो आगे निकल गए। 71 में एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म उनकी रिलीज हुई थी वैसे, गुड्डी। गुड्डी वाकई उन्हीं के बारे में थी। इसमें एक नई लड़की फिल्म इंस्टीट्यूट से लाई गई थी, जया बहादुरी, जो बाद में जया बच्चन हुई। और ये एक बच्ची है, छोटी सी लड़की, जो धर्मेंद्र की फैन। ये फिल्म में धर्मेंद्र जी ने धर्मेंद्र का ही रोल किया, लेकिन इस फिल्म के बावजूद, जो कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है किसी भी स्टार को कि उसके फैन के बारे में फिल्म बने, ये 1.5-2 साल जो थे राजेश खन्ना के साल हो गए। हाथी मेरे साथी, आनंद, कटी पतंग, लेकिन 72 तक पहुंचते पहुंचते आप देखते हैं कि फिर एक लाइन आती है, वन आफ्टर अनदर सुपर हिट्स ऑफ धर्मेंद्र। ये जो रेला आया था 70 की बिगनिंग से और 72 तक पहुंच रहा था, वहाँ 72 पे इसके ऊपर, इस नैले पे दैला अगर किसी ने मारा तो धर्मेंद्र। सीता और गीता, राजा जानी, समाधि, मेरा गांव मेरा देश, ये सब ह्यूज हिट फिल्में थी। अगले साल जाइए 73, यादों की बारात, जुगनू, लोफर, सब बड़ी हिट फिल्में। वो वापस जरा सी जो टेरिटरी गई थी उसे सूद समेत धर्म जी ने वापस लिया अगले 2 बरसों में। 73 और 72 में 2 पिक्चरें हम लोगों की, सलीम जावेद की भी उनके साथ थी, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया, सीता और गीता और यादों की बारात। इसका भी दिलचस्प तजुर्बा रहा। सीता और गीता तो जाहिर है कि बेसिकली हीरोइन की फिल्म थी, धर्म जी बहुत बड़े स्टार थे, वो कहाँ ऐसे करते। लेकिन कुछ मेरे ख्याल से हम लोग की मोहब्बत, कुछ रमेश सिप्पी का असर, कुछ शायद ये जोड़ी बड़ी कामयाब हो रही थी, धर्मेंद्र हेमा मालिनी, वो ख्याल, तो उन्होंने ये रोल, जो एक राका का रोल था, मदारी का रोल था, राका नाम था उस कैरेक्टर का, वो किया और बहुत अच्छी तरह
तुम मेहमान कदरदान, जानता हूँ कौन सा खेल कौन सा तमाशा देखने के लिए आप अपना काम धंधा बिजनेस बंद करके यहाँ खड़े। माई बाप, ये खेल कोई मामूली खेल नहीं, ये तमाशा कोई मामूली तमाशा नहीं। जमीन के ऊपर आसमान के बीच इस पतली रस्सी पर चलने के लिए नागिन का बदन, हिरन का पैर, शेर का कलेजा और चील की आंख चाहिए। माई बाप, एक बार पैर फिसल जाए तो जिंदगी भर बैसाखी पे चलना पड़े, लेकिन इस पापी पेट की खातिर यह लड़की अपनी जान जोखिम में डालेगी। अब ये जो फिल्म थी यादों की बारात, अब ये कुछ नासिर साहब का ख्याल, कुछ हम लोग का इंसिस्टेंस, तो इन्होंने फिल्म कर ली। लेकिन इस फिल्म में, क्योंकि जिस तरह की फिल्में उन्होंने अब तक की थी, ये उससे कुछ अलग ही थी, तो कुछ वो थोड़े से कंफ्यूज थे कि भाई ये तुम लोग मुझसे करा क्या रहे हो, और इसमें ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ ऐसा बिल्कुल, अब लगे कि अब ये भाई धर्मेंद्र ने क्या कुछ कैरेक्टर रोल करना शुरू कर दिए। ये डिस्कम्फर्ट उन्हें था। और पिक्चर देखने के बाद भी मुझे अच्छी तरह याद है कि फिल्म ख़त्म होने के बाद एक पार्टी हुई थी नासिर साहब के लॉन में, पीछे घर में, तो वहाँ उन्होंने मुझसे कहा और सलीम साहब से भी कहा कि भाई ये मैं कुछ ज़रा बहुत अनकम्फर्टेबल हूँ कि ये कहीं मेरे इमेज के ख़िलाफ़ तो नहीं चली जाएगी बात। तो हमने उन्हें यकीन दिलाया कि ऐसा नहीं है और इसमें आपकी बड़ी तारीफ ही होगी और आप देखिएगा, आप बहुत अप्रिशिएट होंगे। और वो हुए। मुझे खुशी इस बात की है कि हमने उन्हें लेट डाउन नहीं किया, बल्कि ये दोनों पिक्चरें जो थीं, चाहे वो सीता और गीता हो या चाहे उसके बाद ये पिक्चर हो यादों की बारात, ये बहुत कामयाब फिल्में रहीं। 75 में इनकी एक बहुत बड़ी हिट इनके अपने होम प्रोडक्शन की पिक्चर थी प्रतिज्ञा, जो मेजर हिट हुई। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म आई थी जिसे आप जितनी बार भी देखें तो आप बोर नहीं होंगे, उसका नाम था चुपके चुपके। ये ऋषिकेश मुखर्जी साहब की बनाई हुई थी और इसमें धर्म जी और अमिताभ बच्चन थे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका प्लॉट था कि कैसे कन्फ्यूजन पैदा होते हैं और कैसे आइडेंटिटीज़ गलत समझी जाती हैं और कौन किधर से कहां से निकल के आ जाता है। बहुत अच्छी कॉमेडी थी। मैंने एक पिक्चर जो शायद चुपके चुपके से पहले रिलीज़ हुई थी उसे बचा के रख लिया था, और बचा के इसलिए रख लिया था कि वो तो एक अल्टीमेट फिल्म जिसका नाम है शोले। शोले में धर्मेंद्र का वीरू और मौसी की वजह से टैंक पे जाना वीरू का, वो एक ऐसा कल्ट सा हो गया है कि इतने बरसों के बाद 1975 में जो पिक्चर रिलीज़ हुई थी उसमें इस सीन के रेफरेंस से आज तक एड्स में इस्तेमाल होता है, सिटकॉम कॉमेडीज में इस्तेमाल होता है, कई जगह फिल्मों में उसके डायलॉग की झलक मिलती है। वो वीरू और जय की दोस्ती और वीरू का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही यादगार कैरेक्टर बन गया, और वाकई वो आला धर्मेंद्र स्टाइल में किया गया था। और उसका परफेक्ट फॉयल अमिताभ बच्चन थे, जो कि क्वाइट और बड़े कम अल्फाज में बात करने वाले, और इधर ये फ्लैम्बॉयंट वीरू। ये एक मेमोरेबल फिल्म। कट जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा, हट जाओ। ये कर रहा हूँ भैया, जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था, सुसाइड। मुझे याद है कि जब पहले दिन शूटिंग पे धर्म जी आए, बेंगलोर के पास शूटिंग हो रही थी आउटडोर में, इसके कैमरामैन बहुत बड़े मशहूर कैमरामैन थे, दौर का द्विवेचक, तो उन्होंने देखा और वो सीनियर थे तो धर्म बोलते थे, ये क्यों मेकअप क्यों किया है, तुम्हारे जैसे हैंडसम आदमी को मेकअप करने की क्या ज़रूरत है, सब मेकअप उतार लो। उस फिल्म में, पूरी फिल्म में धर्म जी ने कोई मेकअप, हल्का सा जो मेकअप हीरोज करते हैं, कुछ नहीं, इट इज़ टोटली हिज नेचुरल सेल्फ। और आप देखिए कि वो क्या लगे उस पिक्चर में, क्या काम किया है उन्होंने। बोलो कौन सा आम तोड़ना है? जो मैं आम बोलूं, तुम गोली मारकर तोड़ सकते हो? ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, बड़े बड़े निशानेबाज हमारे पैर छूते हैं और कहते हैं वीरू तुम्हारे जैसा निशानेबाज पैदा नहीं हुआ। तुम तो बड़े निशानची लगते हो। जेम्स बॉन्ड के पोते हैं ये। 77 ड्रीम गर्ल, धर्मवीर, ना वो धर्मवीर मनमोहन देसाई साहब की फिल्म थी,
बहुत बड़ी हिट फिल्म थी और उसमें एक बिल्कुल वो एक रोमन लिबास में दिखाया था उन्होंने, कॉस्ट्यूम फिल्म थी, धर्म जी को, और वाकई ही वो द पिक्चर ऑफ मैस्कुलिनिटी, वो और जीना तमान उस पिक्चर में पेयर थे। धर्मेंद्र इतने हैंडसम लगे हैं उस पिक्चर में और जिस तरह से उनकी बॉडी दिखी है और जिस तरह से वाकई जो ग्रीक गॉड बोलते हैं, ग्रीक गॉड ऐसे ही होते होंगे जैसे कि धर्म जी धर्मवीर में लगे। शहजादी साहिबा आपका ये शेर तो गीदड़ निकला, आपके पास सही मानो में कोई शेर हो तो एक नहीं दो भेजिए, मैं तैयार हूं। उसके बाद उसी साल में एक और पिक्चर फिर मनमोहन देसाई की चाचा भतीजा, ये हम लोगों की लिखी हुई फिल्म थी। चाचा भतीजा भी बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म और जिसमें उन्हें कॉमेडी करने की पूरी छूट मिली, बहुत इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस था उनका। इसके बाद मेरा जो उनसे इंटरेक्शन हुआ वो फिल्म थी बेताब, और मैं बहुत ऑनर्ड फील करता हूँ कि जब वो अपने बेटे सनी को लॉन्च करना चाह रहे थे तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि तुम ये स्क्रिप्ट लिखो, तो इसके स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग मैंने लिखा। पिक्चर बहुत कामयाब हुई, राहुल रवेल का डायरेक्शन, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, और सनी देओल ओवरनाइट बहुत बड़े स्टार बन गए। उनके बाद 95 में उन्होंने बरसात में अपने छोटे बेटे को लॉन्च किया, 2005 में अपने भतीजे को भी अपने ही बैनर पे लॉन्च किया, अभय देओल को। फिर एक फिल्म आई 2007 में जिसमें पहली बार धर्म जी और दोनों बेटों ने एक साथ फिल्म में काम किया। अब मैं सुनता हूँ कि सनी का बेटा इतना बड़ा हो गया है कि कुछ दिनों में उसे हीरो बनाया जाने वाला है, धर्म जी की फैमिली की ट्रेडिशन आगे चलती रहे, मेरी बेस्ट विशेज उसके साथ हैं, इसलिए कि धर्म जी ने इतनी मोहब्बत लोगों की हासिल की है और इतनी दोस्ती हासिल की है और इतनी इज्जत हासिल की है कि तमाम लोग, मैं यकीन रखता हूँ कि उनका ग्रैंडसन जब भी एक्टर बन के आएगा, फिल्म इंडस्ट्री का हर इंसान और हिंदुस्तान के करोड़ों इंसानों की बेस्ट विशेज उसके साथ होंगी। आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी लेजेंड किसी कलाकार के बारे में बात करने के लिए। शुक्रिया। ये एक बार जब अनाउंस हो गया कि आएगा आने वाला और आने वाला आ गया है, तो फिर तो एक लंबा सफ़र है जहां हर हर कदम को यादगार बनाया है लता मंगेशकर ने। डिकेड्स आफ्टर डिकेड्स, डिकेड्स लोग आए चले गए, एक्टर्स आए चले गए, प्रोड्यूसर्स आए चले गए, डायरेक्टर्स आए चले गए, लेकिन एक लता मंगेशकर और उसकी आवाज़ का चिराग जलता ही रहा और आज भी रोशन।